पहले छुआछूत थी, हमारे गले में हाड़ी होती थी, पीछे झाड़ू बंधा होता था। जो एक आपका कीमती वोट है, अगर उसमें किसी तरह की चूक कर जाएंगे तो निश्चय ही हम गुलामी की तरफ बढ़ जाएंगे। अगर आप इस बार बहन जी को मुख्यमंत्री के रूम में पांचवीं बार देखना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं देखना है। आप हाथ ही पहचाने, आप अमर सिंह को पहचाने न पहचाने, आप बहन जी को पहचाने। इनमें विवाहित तो होकर जो लड़कियां बहू के रूम में आई हैं, मैं सभी का सम्मान करता हूँ। आप वैसे तो मेरे लिए आज बोलने के लिए कुछ है नहीं, हमारे माननीय श्रद्धेय श्री राही साहब ने इतना बता दिया है आपको कि गागर में सागर भर दिया है। पर फिर भी एक मैं बात आपसे कहना चाहता हूँ, पहली जनवरी हमें जो नववर्ष हम मनाते हैं खुशियों के लिए मनाते हैं, पर शायद आपको पता होगा कि आज जो हमारा ये विजय स्वर दिवस मना जा रहा है इसकी भूमिका क्या थी। हमारे यहाँ जैसे अभी माननीय राही साहब ने बताया है कि इस संविधान से पहले छुआछूत थी, हमारे गले में हाड़ी होती थी, पीछे झाड़ू बंधा होता था, झांकर बंधे होते थे, हमारी परछाया से वो अपवित्र होते थे। ऐसी स्थिति में वहाँ महाराष्ट्र में महार जाति के साथ हमसे भी बुरा बर्ताव किया जाता था। वहाँ फडणवीस जो पंडित एक कम्युनिटी होती है जो राज दरबार को होल्ड करते थे, उन्होंने हमारे लोगों के साथ बड़ा अत्याचार किया। हमारे यहाँ स्त्रियाँ स्तन को नहीं ढक सकती थी, खुला स्तन होता था, आदमी चल नहीं सकता था और जाता था तो उसे एक थाली बजा के जाना पड़ता था। इस प्रकार का अत्याचार होता था हमारे लिए। उसको निपटाने के लिए फडणवीस को जब अंग्रेज़ों ने घेरना चाहा तो हमारे लोग उस समय फडणवीस के पास गए जो वहाँ का राजा था कि आप हमें समानता का अधिकार दे दीजिए, हमें इज्जत दे दीजिए, हम अंग्रेज़ों के साथ आपके कहने से युद्ध लड़ेंगे। फडणवीस ने कहा कि हम आपको एक इंच आगे नहीं आने देंगे, आप अछूते या अछूत रहेंगे, आपका सम्मान इससे नहीं होगा और हम आपको अपमानित करते रहेंगे, क्योंकि वो मनुस्मृति से चलते थे। ऐसी स्थिति में महार जाति के 2800 आदमियों ने और उनकी 56,000 फौज को, उनके मन में इतनी गुस्सा थी कि जब वो दर्राओं से पहाड़ियों से उतर रहे थे तो उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर 56,000 फडणवीस की सेना को काट दिया और उसके बीच में हमारा ये शौर्य दिवस मनाए जाना लगा। अंग्रेजों ने वहाँ शौर्य स्तंभ की स्थापना की। जिस मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो बहन जी ने अभी राज्यसभा से इस्तीफा दिया था जब ये रिजर्वेशन का बिल गया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमें जो रिजर्वेशन है वो प्रमोशन में चाहिए। इन्होंने वो जो बिल था वो तो पास किया नहीं, बल्कि रिजर्वेशन ही खत्म कर दिया और वो इनडायरेक्टली इस तरीके से किया। उसमें रिजर्वेशन के लिए उन्होंने पोस्ट भरना बंद कर दिया सरकार ने और आज हमारे गांव से और आइए आपसे ये भर्ती होगी अंतिका और सब भूमिकाओं पर डाल दी जाएगी। अगर यही नौकरियां खत्म हो जाएंगी तो आपको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा और वो हमें SC को ST को ही नहीं, वो OBC क्लास को भी नहीं मिलेगा। तो वो सबको दबा रहे हैं, OBC को अभी इतनी समझ नहीं है। हम लोग बहुत बाबा साहब के विचारों से आग्रह हो सके हैं, जब उनको भी कुठाराघात होगा तो वो भी हमारे साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। मुझे बहन जी की विचारधारा चलाने के लिए, अगर आप जो एक आपका कीमती वोट है अगर उसमें किसी तरह की चूक कर जाएंगे तो निश्चय ही हम गुलामी की तरफ बढ़ जाएंगे। अभी ये समय है कि ये उत्तर प्रदेश वहाँ प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए भी एक रास्ता बनाता है। अगर आप इस बार बहन जी को मुख्यमंत्री के रूम में पांचवीं बार देखना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं देखना है। आपने ये पूछना नहीं है कि कौन कैंडिडेट है, आपने ये पूछना नहीं है कि हमें शराब पिलाएगा, आपको ये नहीं पूछना है कि हमें गाड़ी में बैठाएगा। आप अपने बूथ को मैनेज कर लीजिए कि जहाँ आपका वोट है आपने आँख बंद करके हाथी देखना है, चाहे बहन जी ने किसी लकड़ी को खड़ा कर दिया है या कोई कर दिया है। अगर आप हाथी पर वोट नहीं डालेंगे तो आपकी कहीं गिनती भी नहीं होगी। आज मैं नहीं कहना चाहता, राकेश बाबू जी की मैं कोई बुराई नहीं करना चाहता, जब वो हमारे यहाँ थे तो हमारे लोग उनके पैर छूते थे, आज जब वो सपा में चले गए तो अपने से वो आधी उम्र के अच्छे के पैर छूते हैं। क्या आपको यही सम्मान मिलने वाला है? अतः आपको दूर तक सोचना है कि भाजपा पार्टी हमें बिल्कुल सहयोग नहीं करती, वो डंडे और तीर और तलवार से हमारा वध करना चाहते हैं और ये हमारे सम्मान को खोना चाहते हैं। अब हम पर जगह ही कहाँ बची है, कोई हमें देखता नहीं, हमें विशेषतः सभी लोग घृणा करते हैं। ऐसी स्थिति में हमें एकत्रित होकर
एकजुट होकर जो भी तिथि चुनाव की आएगी उस दिन आपने हाथी को नहीं पहचाना तो ये दूसरा जो हाथी है दो टांग वाला हाथी है वो हमें कुचलता हुआ चला जाएगा। इसी निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे आग्रह करता हूँ आप हाथी पहचाने, आप अमर सिंह को पहचाने न पहचाने, आप बहन जी को पहचाने, आप मुझे पहचाने।